हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। आज मैं आपको बताऊंगी शिमला मिर्च के प्लांट के बारे में कि आप कैसे इसको पॉट में ग्रो कर सकते हैं और कैसे ढेर सारी शिमला मिर्च आप पा सकते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल शिमला मिर्च है जो हम घर में लाए हैं। इसको हम जब भी काटते हैं लगाने बनाने के लिए, तो आप देखते हैं कि ये बीच में ये पोर्शन ये बचता है, ये बीजों वाला, ये देखिए, इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए ये बीज वाला पोर्शन शिमला मिर्च का। ऐसे हम ये दोनों सभी शिमला मिर्च से निकाल लेंगे और इसको 4-5 दिन के लिए सुखा देंगे। सुखाने के बाद ये थोड़े सूख जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा हमें बोने में। सूखने के बाद ये देखिए ऐसे हो जाएंगे, बीजे सब अलग हो जाएंगे, आप आराम से इनको बो सकते हैं। तो आपके जो बीजे फ्री में घर में मिल गए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में ही जो शिमला मिर्च आती है आप उसी से बो के नए शिमला मिर्च खूब सारे पा सकते हैं। आइए देखिए फिर हम इसको कैसे लगाएंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना ये शिमला मिर्च का प्लांट। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है, और ये देखिए इसमें शिमला मिर्च लगी भी हुई है और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। शिमला मिर्च हम घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, जो शिमला मिर्च हम लाते हैं घर में खाना सब्ज़ी बनाने के लिए, वही शिमला मिर्च के बीजे हम निकाल लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये जो शिमला मिर्च हम घर में लाते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, वो काटते समय हम इनके ये बीजे जो आप देख रहे हैं ये निकाल देंगे और इसको 2-3 दिन के लिए रख देंगे। तो ये थोड़े देख रहे हैं आप जैसे सूख गए हैं, एक एक बीजा अलग हो जा रहा है, ये देखिए। तो इस तरह हम घर में जो शिमला मिर्च लाते हैं उसी के बीजे निकाल सकते हैं। 2-3 दिन रखने पे ये थोड़े सूख जाएंगे, थोड़े आसान रहेंगे आपको लगाने के लिए। फिर हम इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे। करीब 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% इसमें हम लेंगे कोकोपीट। अगर कोकोपीट नहीं है आपके यहाँ तो आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी 60% गार्डन सॉइल रहेगी, वो आप मिक्सचर बना लेंगे और इसमें आप बीजे बोएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने मिक्सचर तैयार करके इसमें भर के रख लिया है। इससे ये होगा कि मैं एक एक में दो दो बीज लगाऊंगी, तो जब छोटे छोटे सैम्पलिंग्स निकलेंगे तो हमें शिफ्ट करने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये देखिए, ये बीजे मैंने डाले और इनको बस हल्का सा ऐसे दबा देना है, और ऐसे ही मैं सब में करूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा आपको थोड़े थोड़े बीजे डाल के, और चाहे तो आप ऊपर से थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या इसको ऐसे ही बराबर कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हमको हल्का सा पानी डाल देना होगा, फिर हमारे छोटे छोटे सैम्पलिंग्स निकलेंगे इसके। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा शिमला मिर्च है। जब इस हाइट का हो जाए तब फिर हमको इसको ट्रांसप्लांट करना होगा दूसरे अलग अलग पॉट्स में। इसके लिए आपको 12 इंच का गमला चाहिए, 12 इंच में आप 2 लगा सकते हैं शिमला मिर्च, और अगर 8 इंच का हो आपका पॉट या ग्रो बैग तो आप उसमें 1 शिमला मिर्च लगाएं।
या अगर आपके पास बड़े वाले ग्रो बैग हैं तो उसमें आप 3 से 4 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप जब अपने पॉट में शिमला मिर्च लगा देंगे, देखिए मेरा 12 इंच का गमला है, इसमें मैंने 2 पेड़ लगा रखे हैं शिमला मिर्च के। तो हमें इनमें ख़ास बात ध्यान रखनी है कि जब ये करीब 4 इंच के हो जाएं तो ऊपर से इनकी थोड़ी सी प्रोनिंग कर देनी होगी। उससे क्या होगा, ब्रांचेस खूब ज़्यादा निकलेंगी और आपको शिमला मिर्च भी काफ़ी क्वांटिटी में मिलेगी। जब इसमें हल्की हल्की जब ये पेड़ अच्छे से ग्रो कर जाए और कलियां आने लगे, तो आप इसमें जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो यूज़ कर सकते हैं वह है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील जो बनाना के छिलके होते हैं उनको आप धूप में सुखा के उसका पाउडर बना लें और धीरे से इनमें जड़ों के चारों तरफ डाल दें, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है और बहुत बढ़िया से इससे प्लांट भी ग्रो करेगा और आपकी शिमला मिर्च भी खूब होंगी। प्लस आप जब देखें कि फ्रूट्स अगर नहीं बन रहे हैं, आपकी फ्लावर्स जो निकल रहे हैं वो गिर जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सीवीड ग्रैन्यूल्स आते हैं या सीवीड लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसमें सीवीड ग्रैन्यूल डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ये सीवीड ग्रैन्यूल्स कैसे डालनी है। देखिए ये हैं हमारे सीवीड ग्रैन्यूल्स, ये बहुत कम क्वांटिटी में पड़ेंगे इसमें। ये देखिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये मैं पेड़ों को हटा के चारों तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इनको डाल दूंगी। ये ऐसे आप देख रहे हैं, प्लांट के एकदम नज़दीक नहीं डालना है, थोड़ा दूर पे चारों तरफ फैला देना है। और इस पे चाहे तो आप थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं इसको कवर करने के लिए, और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि ये धीरे धीरे आपकी जो पॉटिंग मिक्स है उसमें मिक्स होता जाएगा और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। सीवीड से फल भी बहुत अच्छे होंगे और आपको शिमला मिर्च भी खूब सारी मिलेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में खूब सारी शिमला मिर्च और फ्लावरिंग हो रही है। बनाना पील इसके में पोटाश वगैरह खूब होता है, तो आपके फल का कलर, फल बहुत अच्छे से होंगे। तो ये दो मेन फर्टिलाइजर्स हैं जो आप इसमें शिमला मिर्च के प्लांट में दे सकते हैं जिससे कि आपको खूब सारे शिमला मिर्च मिलेंगे। प्लस हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शिमला मिर्च में, जैसा कि आप मेरे प्लांट में भी देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वाइट फ्लाइज आ जाते हैं जो कि इनकी पत्तियों को पूरा चूस जाते हैं और इसके बाद फिर प्लांट मर जाता है हमारा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर 10 दिन में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका प्लांट ग्रोथ कर गया अच्छे से है, आपके फ्रूटिंग भी हो रही है, और अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह आप नहीं डालेंगे तो फिर आपका प्लांट जो है वो चला जाएगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको हर 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, जिससे इसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन या कुछ ना हो। अक्सर क्या होता है कि पत्तियां इसकी मिर्च की मुड़ जाती हैं, कर्ली हो जाता है, तो उसके लिए भी नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप फर्टिलाइजर्स देंगे और सब करेंगे, आपने पूरा ध्यान रखा है, लेकिन अगर आप नीम ऑयल नहीं डालेंगे तो आपका पेड़ चला जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि नीम ऑयल का हर 10 दिन में स्प्रे करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पेड़ में खूब बढ़िया शिमला मिर्च मिल रहे हैं, जैसा कि आप मेरे पेड़ में देख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो शिमला मिर्च के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।